हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 3D कैनवास। आज हम हमारे इस गार्डन में खिले हुए पपाया के पेड़ को देखेंगे, उसकी जानकारी लेंगे, जिसको हम पपीता भी कहते हैं। इसकी हाइट नियरली अबाउट 20 फीट तक ये बढ़ गया है और उसको अभी कुछ फल भी आना शुरू हुआ है। तो देखिए, ये कच्चे हरे रंग के पपीते आए हैं और नीचे के साइड में दो जो पीले रंग के हुए हैं वो अभी पकने को तैयार हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस कच्चे फल की सब्ज़ी भी बना सकते हैं। और आपको क्या पता है कि ये कच्चे फलों से आप पापेन नामक एक एंजाइम भी निकाल सकते हैं, जो कि कुदरती तौर पे बहुत सारे मेडिसिन में भी इस्तेमाल होता है, जो कि पाचन शक्ति बढ़ाने में और फिर आपको इन्फेक्शन हो, पेन हो, इन्फ्लेशन या स्वेलिंग जैसे कुछ बीमारियां हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और कुछ कुछ केस में इसको डायरिया और एलर्जी में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो पेड़ है, ये एक मादा पेड़ है। जी हाँ, आपने सही सुना है। एक्चुअली जो पपीते के पेड़ होते हैं, इनमें नर और मादा दो तरह के पेड़ होते हैं। तो ये एक मादा पेड़ है जिसको फल आना शुरू होता है, जबकि नर पेड़ होता है तो उसको सिर्फ फूल आते हैं, उसको फल नहीं आते हैं। तो बैक टू हम जो मेडिसिंस, हाँ, उसके बारे में जानकारी ले रहे थे। तो ये है कि जिनकी ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा होती है तो उनको भी ये फल अवश्य खाना चाहिए, क्योंकि ये ब्लड शुगर लेवल को कम करता है और आपका जो ब्लड प्रेशर है उसको भी कम करता है। तो जो हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है खाने के लिए। तो इसके बहुत सारे गुण हैं और विटामिन ए तो इसमें बहुत अच्छी तरीके से भरा हुआ होता है। और ये आपको अगर गले में सूजन है या फिर सोर थ्रोट जो बोलते हैं वो है, तो उसमें भी ये बहुत कारगर होता है। ये इंडिया का पेड़ नहीं है, ये एक्चुअली 300 साल पहले हम इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये तब से हम यहाँ पे उगाया जाता है, बट जहाँ पे भी ये थोड़ा सा उष्ण जो इलाका आता है तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ग्रो होते हैं, क्योंकि इनको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, ठंडी नहीं चाहिए, तो वो पकने के लिए उनको आसानी होती है। तो आप बताइए कि आपके गार्डन में भी अगर इसी तरह का कोई पेड़ है तो आप इसकी निगरानी कैसे रखते हैं, उसको क्या क्या देते हैं। अभी ये हमारा जो पेड़ है, इसको जस्ट हमने अच्छी सॉइल और पानी बस इतना ही डाला है, तो ये टोटली ऑर्गेनिक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।